5 अगस्त को लगभग 500 वर्ष की लड़ाई के बाद पुनः देश दुनिया के आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 5 अगस्त को करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेसियों ने भी पूरे मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को अयोध्या मंदिर से जोड़ते हुए आज धार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सिल्वर हिल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अयोध्या में बनने जा रहे प्रभु श्री राम के मंदिर का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को देते हुए उनके द्वारा पूर्व में श्री राम मंदिर के शिलान्यास रखे जाने की बात करते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी और उनकी टीम ने पूरे मिलकर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। किसी राजनीतिक विवादित में पड़ के न्यायालय में चला गया। सम्माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया, उस फैसले को आम व्यक्ति ने, आम पार्टी ने माना। उसी को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मंशा अनुसार आज उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए यहाँ पर पूरे प्रदेश में हमारे सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। और कल जो हनुमान जी का राम मंदिर में जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, शिलान्यास तो पहले ही हो चुका, क्योंकि और खुशी है कि हमारे धार्मिक स्थल और धार्मिक आस्था से भी खुशी का आम आदमी में लहर रही है, और इसलिए हमने आयोजन रखा गया है।